हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कर स्वागत है आपका स्टूडियो में। तो दोस्तों, कोल इंडिया की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1326 पोस्ट पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। यहाँ पर आपने गेट नहीं दिया हुआ तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप। और अगर फाइनल ईयर में आप हैं तो फिर आप भी एलिजिबल हैं। मैं बात करूँ इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इंडिया के किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी खासी आपके लिए सैलरी यहाँ पर भी मिलने वाली है। गाइस, मैं बात करूं, अगर आप इस फॉर्म के लिए इंटरेस्टेड हैं, इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। मैं टोटली इसका प्रोसीजर आपको बताने वाला हूं, क्या क्वालिफिकेशन आपका रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सिलेबस क्या होगा और कब से इसका फॉर्म जो आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये यहाँ पे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन डेट यानी इस फॉर्म को जो आप अप्लाई कर सकते हैं उसका ऑनलाइन डेट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जो कि 21 दिसंबर से स्टार्ट है। इसका ऑनलाइन फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। वैसे गाइस, मैं बता दूं आपके लिए, मैं एक ऑनलाइन फॉर्म वाली वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली वाइज कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। प्रैक्टिकली यानी टोटली यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो गाइस, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, कि जब मैं वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगला डेट की, नेक्स्ट डेट की बात करूं, जो कि आपका लास्ट डेट रखा गया ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का, जो कि 19 जनवरी तक यहाँ पे फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं 11 बजे तक। टेंटेटिव डेट रखा गया आपका एग्जाम का, एग्जाम की बात करें तो 27 फरवरी और 28 फरवरी को आपका एग्जाम होगा 2020 में, जो कि टेंटेटिव रखा गया है। हो सके ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, अदरवाइज ऑन डेट में भी आपका एग्जाम जो लिया जा सकता है बिकॉज डिपार्टमेंट रूल के अनुसार है। कुछ यहाँ पे ब्रांचेज की बात करूँ, जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे ब्रांचेज है उसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे मैं बात करूँ माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल वालों के लिए कम से कम बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे कोल प्रिपरेशन में आप देख सकते हैं बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग, इसमें भी 60% मार्क होना चाहिए, बट इंजीनियरिंग में आपका केमिकल या फिर मिनरल इंजीनियरिंग चलेगा। सिस्टम की बात करें तो वही बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर यानी कोपा वाले आईटी एंड एमसीए कर रखे हैं कंप्यूटर साइंस में, 60% मार्क्स है तो एलिजिबल है। यहीं पर मैं बात करूं मटेरियल मैनेजमेंट के लिए तो इंजीनियरिंग डिग्री आपका होना चाहिए, 2 ईयर्स का आपके पास एमबीए या पीजी डिप्लोमा का आपको मैक्सिमम 60% का मार्क्स अवेलेबल होना चाहिए। फाइनेंस अकाउंट्स की बात करें तो क्वालिफाइड अगर अपने सीए या फिर आईसीडब्ल्यूए कर रखा है तो बिल्कुल एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल एचआर की बात करें तो आपके लिए कम से ग्रेजुएट होना चाहिए और 2 ईयर्स यानी फुल टाइम 2 ईयर्स का आपका यहाँ पे डिग्री होना चाहिए, पीजी डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का। मार्केटिंग सेल्स आप देख सकते हैं 2 ईयर्स का, इसमें भी एमबीए और पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट बात करें जिसमें भी 2 ईयर्स का, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लिखा गया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड 2 ईयर ड्यूरेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट किसी से अपने, अगर आपने डेवलपमेंट में कम्युनिटी में यहाँ पे ट्रेड्स में ब्रांचेस से डिग्री हासिल किया तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, जो कि 60% मार्क्स यहाँ पे हो के आ गया। या फिर मिनिमम 2 ईयर्स फॉर टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी सोशल डेवलपमेंट अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आप एलिजिबल हैं। वो क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप अपने इसको डाउनलोड करके बढ़िया से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ ट्रेड है जिनका यहाँ पे कुछ ब्रांचेज है जो कि यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, आप देख सकते हैं। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर एलिजिबल ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक है इंजीनियरिंग, सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग एंड फाइनेंस अकाउंट के लिए क्वालिफाइड अगर अपने सी ए आर या फिर अगर आई सी डब्ल्यू ए कर रखा है तो आप एलिजिबल है। अदरवाइज यहाँ जो आपको प्रोग्राम दे रहे हैं ये सब नॉट एलिजिबल ब्रांचेज, जो कि आप कर रखें तो इस ब्रांचेज में आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नो एलिजिबल वाला फॉर्म। कुछ वैकेंसी डिटेल्स की बात करें, आपका वैकेंसी डिटेल क्या रहने वाला है, कितनी कितनी वैकेंसी, तो माइनिंग में 288 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल में 218 है, मैकेनिकल की बात करूं तो 258 है, सिविल में 68 है, कोल प्रिपरेशन में 28 है, सिस्टम में आपका 46 है। उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट की बात करूं तो आपका 28 है, फाइनेंस अकाउंट में 254 है, यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा लग रही है आपकी। या फिर पर्सनल एचआर की बात करूं तो 89, मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए 23 एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए 26, यानी टोटल 1326 यहाँ पे वैकेंसीज आउट की गई है। अदरवाइज यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपने वाइज यहाँ पर देख लीजिएगा वैकेंसी डिटेल्स, इसको डाउनलोड करके। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट टायर एग्जाम पेपर वन होगा, पेपर टू होगा, पेपर वन पेपर टू, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। पेपर वन में आपका वही पेपर वन पेपर टू दोनों में आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो कि MCQ यानी क्वालिफाइड यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, आप कोई भी गलत क्वेश्चन गलत आंसर देते हैं उसके लिए कोई भी मार्क्स यहाँ पे कटौती नहीं होगा।
मैं सिलेबस की बात करूंगा आपको बताने वाला हूं, जिसमें अगर क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पे रखा गया है जनरल और यूआरए और एडब्ल्यूएस को, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बात करूँ 40% आपके लिए रखा गया, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के 35% मार्क्स, और यहाँ पर एसटी एससी नॉन पीडब्ल्यू वालों के लिए कम से कम 30% मार्क्स आपका एफएफ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल क्वालिफाई कर पाएंगे। जब यहाँ पे पेपर वन और पेपर टू में जब यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए पर्सनल इंटरव्यू बुलाया जाएगा, जो कि ईमेल आईडी या फिर इनके वेबसाइट पे आपको यहाँ पे दिया जाएगा, नोटिफिकेशन की जानकारी मिल जाएगी आपको। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी आपका लगने वाला है, यानी आज से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और एप्लीकेशन फ़ी भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी में जो मैं बात करने वाला हूँ वो यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी वालों के लिए, नॉन क्रिमिनल लेयर क्रिमिनल लेयर दोनों के लिए यहाँ पर 1,000 रुपया यानी 1,000 रुपया आपका यहाँ पे रखा गया है जो आपका एप्लीकेशन फ़ी होगा। अदरवाइज़ यहाँ ईडब्ल्यूएस वालों जो फीमेल कैटेगरी, सॉरी यहाँ पे फीमेल कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे एसटी एससी वालों पीडब्ल्यूडी वालों के लिए मैं बता दूँ कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगे, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर आपका नहीं रखा गया है। अदरवाइज़ यहाँ पे इम्प्लॉय हैं कोल इंडिया में तो भी आपका यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो आपका 30 ईयर्स एज लिमिट होना चाहिए, जो 1 अप्रैल 2020 तक यहाँ पे लास्ट रखा गया, वहाँ तक आपका कम से कम 30 ईयर्स आपका लास्ट होना चाहिए। वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, अदरवाइज यहाँ रिलैक्सेशन मिलेगा। एस टी एस सी वालों के लिए 5 ईयर्स का एंड ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। पेमेंट डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, अदर डिटेल्स यहाँ पे कन्फर्म, जो पेमेंट मिलेगी आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर प्लेस इन मैनेजमेंट ट्रेनिंग के आधार पर जो E2 ग्रेड है उनके लिए 50,000 से 1,60,000 के बीच में, मतलब एक अच्छी खासी आपको पेमेंट मिलने वाली है। E-Grade 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में, यानी जो बेसिक सैलरी रहेगी ना वो आपकी 60,000 ज़रूर रहेगी आपकी सैलरी। अदरवाइज यहाँ पे जैसे जैसे आपको यहाँ पे ग्रेड के हिसाब से वैसे यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा। अब बात करें ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है तो उसका डेट जो है अनाउंसमेंट हो चुका है, लिंक भी ओपन कर दिया, अगर आज से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैं फॉर्म वाली वीडियो जरूर लाऊंगा आपके लिए, वैसे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप खुद भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। गाइज ये रहा आपका जनरल इन्फॉर्मेशन। आपको एक डाउट होगा कि सर इसकी सिलेबस में जानकारी आप नहीं दिए, तो गाइज मैं सिलेबस के लिए एक दूसरी वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें प्रॉपर वाइज आपको बताना होगा क्या सिलेबस, जिसमें टॉपिक वाइज बताऊंगा कहाँ से आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो गाइज उम्मीद है वीडियो आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा फॉर्म से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन। फिर भी कहीं आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई और हेल्प की जाएगी। अदरवाइज मैं फॉर्म वाली वीडियो लाऊंगा तो चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लें कि जब मैं लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।